साथियों, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बरवाला गांव, और बरवाला गांव में यहाँ हमारे धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र ना? हाँ जी, हाँ, शुभ नाम इनका धर्मेंद्र है। और इन्होंने जो वो है कंस्ट्रक्शन का काम चलाया हुआ है, यानी कि यहाँ टॉयलेट वगैरह का काम चलाया हुआ है। तो यहाँ टॉयलेट में जो है एक स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि हमारे भारत का जो है नाजा नाजा कहा जाता है, यानी कि नाग कहा जाता है हिंदू धर्म में, तो वो यहाँ गिर गया हुआ है। तो इन्होंने इसको बचाना जो है वो बहुत ही उचित समझा, क्योंकि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जो है पर्यावरण को बचाना बहुत ही उचित है। और हमारे रामलाल जी हैं, और हमारे पुराने यहाँ बरवाला में जब मैं यहाँ रहता तो हमारे अशोक भाई जी जो इनको इन्फॉर्म किया, तो ये भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो चल के देखते हैं कि ये कितनी देर जो है इसको बाहर निकलने में टाइम लगेगा। करो टॉर्च मारो। डब्बा देना नीचे कर लेना, पैक करना। आओ लेना, रिस्क नहीं लेना। जहरीलो हुंदा है, भी जबरदस्त बहुत बड़ा पॉइजन। ये इधर साइज हुंदा है, इधर ना ज्यादा बड़ा नहीं हुंदा है। हां ना, बड़ा बड़ा 6.5 7 फुट तक चली जांदा। प्रधान जी हटाओ, ले सामान को बनाना है। ये जो बढ़ जाएगी ऊपर से, हां बना दे वो जो मैं उसको ऊपर ही जाता फोटो लेंदे रहने बीच बीच ना। ये ऊपर लिख दी साथियों, ये स्पेक्टेकल कोबरा, यानी कि हटा राइट है जो वाला। ये छोटा बेबी है, लेकिन काफी हो चुका है ये किसी की। हाँ, आंगने चलो, आंगने में चलते हैं। बाकी रहना इसको थोड़ा, तो साथ ही उसको थोड़ा सा यहाँ पहले इसकी मूवमेंट करवाने के लिए जो छोड़ देते हैं। यानी कि इसके काटने पर आपको 40-50 मिनट में जो है हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी, अगर ये काट जाए तो, क्योंकि इसमें इतना इसका वैल्यू जो है अगर 12 और 15 मिलीग्राम से ऊपर जाता है तो इंसान की मौत जो वो निश्चित होती है। तो इसकी ये ज्यादा से ज्यादा जो है कई बार 20-25-45 मिलीग्राम जो है जहर छोड़ देता है। तो कभी भी अगर ये काट जाए तो सीधे हॉस्पिटल, कभी भी। गर्मी ठंड भी है।